हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम. 13.3 फर्स्ट क्वेश्चन. अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू द शेप ऑफ सिलेंडर हुज रेडियस इज 6 सेंटीमीटर. फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर. अगर किसी भी चीज को मेल्ट करके उससे दोबारा चीज बनाई गई है तो उनका वॉल्यूम सेम रहेगा. मान लो आपने स्फीयर को मेल्ट किया तो जो उसका रॉ मटेरियल आया उसी उतने ही रॉ मटेरियल से दोबारा आपने एक अलग शेप दे दी सिलेंडर की, तो वॉल्यूम दोनों का सेम रहेगा. रीकास्ट करने के बाद वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 4/3 πr³ इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr²h. पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा. रेडियस इज 42/10 आर स्क्वायर और h हमें फाइंड करना है. 14 × 3 = 42 क्या आया हमारे पास. 4 × 14 × 42 × 42/1000. 6 × 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा. हाइट की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. तो h हमारे पास क्या आया, 6 × 7 = 42 14 × 4 = 7 × 7/1000. मल्टीप्लाई कीजिए इसे. मल्टीप्लाई करने पे आया 2744/1000, डेट इज 2.744 सेंटीमीटर. 2.744 सेंटीमीटर नोट कर लीजिए इसे. नाउ नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है. मेटेलिक स्फीयर्स ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर 8 एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल स्फीयर. फाइंड द रेडियस ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर. इन तीनों स्फीयर्स को मेल्ट करके एक बड़ा स्फीयर बना दिया गया है, हमें उसका रेडियस फाइंड करना है. तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो एक सिंगल स्फीयर बना है किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्फीयर. तीनों स्फीयर को मेल्ट करके एक स्फीयर बनाया गया है. नाउ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 πr³, कैपिटल आर से डिनोट कर दिया इसके रेडियस को. 4/3 πr³, 4/3 πr²³, 4/3 πr³³. फर्स्ट स्फीयर को रेडियस को r1 से डिनोट किया, सेकेंड के स्फीयर के रेडियस को r2 से एंड सिमिलरली थर्ड को r3 से. नाउ 4/3 एंड पाई इज कॉमन. क्या बचा, r³ + r²³ + r³³. 4/3 πr³ कैंसिल हो जाएगा. यहाँ बचा r³. r1 इज 6, r2 इज 8, देन 10. 6³, 8³ and 10³. सो r³ हमारे पास क्या आया, सो r³ इज इक्वल्स टू 1728. तो r इज इक्वल्स टू √1728. 1728 किसका क्यूब है, 12 का क्यूब है ये. 12 × 12 × 12, सो रेडियस आ गया 12 सेंटीमीटर. आपको एटलीस्ट 20 तक नंबर्स के स्क्वायर एंड क्यूब आने चाहिए. सो आपको लर्न करना होगा कि 20 तक नंबर्स के स्क्वायर एंड क्यूब्स की वैल्यू क्या क्या. तीन स्फीयर्स को मेल्ट करके एक बड़ा स्फीयर बनाया गया, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड स्फीयर, 4/3 πr² कैंसिल. तीनों के रेडियस हमें गिवन है. पुट द वैल्यूज एंड देन सॉल्व. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 आर इम्पोर्टेंट फ्रॉम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू. सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या गिवन है.
अ 20 मीटर डीप वेल, एक कुआं जो कि 20 मीटर डीप है विद डायमीटर 7, इसका डायमीटर गिवन है 7 मीटर इज डग एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म 22 मीटर बाय 14 मीटर फाइंड द हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म। अगर आप कभी रेलवे स्टेशन पे गए हो, आपने वहां पे प्लेटफॉर्म देखा होगा, तो प्लेटफॉर्म किस शेप का होता है, जहां पे आप खड़े होते हो प्लेटफॉर्म पे ट्रेन का वेट करने के लिए, तो प्लेटफॉर्म किस शेप का होता है, क्यूबॉइड। उसकी लेंथ भी होगी, ब्रेथ भी होगी और हाइट भी होगी। सो जो कहते हैं वेल को कुआं खोदने पे जो मिट्टी निकली उससे हमने क्या बना दिया, एक प्लेटफॉर्म। तो दोनों के वॉल्यूम सेम हो गए। सिलेंडर के केस में डायमीटर है 7, सो रेडियस इज 7/2, हाइट है वेल की 20 मीटर, देन प्लेटफॉर्म की हमें लेंथ और ब्रेथ पता है, हाइट हमें फाइंड करनी है। लेंथ इज 22, ब्रेथ इज 14, हाइट हमें फाइंड करनी है। नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म किस शेप का है, क्यूबॉइड, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो प्लेटफॉर्म। क्यूबॉइड का वॉल्यूम लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस इज 7/2, हाइट इज 20, लेंथ इज 22, ब्रेथ इज 14, हाइट हमें फाइंड करनी। इसकी हाइट को हम कैपिटल एच से लिख देते हैं टू अवॉइड कंफ्यूजन। नाउ 7, 11, 10 क्या आया हमारे पास, 11 × 7 = 77, 0, 22, 14 = height, 11 2s are and 11 7, 2, 35, so h is 35/14, 7 2s are 7 5s are, so 5/2 that is 2.5 meter, unit is meter, so h is 2.5 meter, so this is the height of platform। आपको याद रखना है कि platform की shape हमेशा क्या होगी, cuboid। platform कौन सी shape में होता है, cuboid shape में, इसलिए volume of cuboid is equals to जो well है that is cylindrical in shape, तो डायमीटर ऑफ सिलेंडर गिवन है, रेडियस फाइंड किया, हाइट गिवन है, प्लेटफॉर्म की लेंथ और ब्रेथ गिवन है, हाइट हमें फाइंड करनी है। दोनों के वॉल्यूम्स को इक्वल रखा, पुट द वैल्यूज एंड देन सॉल्व, हाइट इज 2.5 मीटर। नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में क्या गिवन है हमें, अ वेल ऑफ डायमीटर 3, वेल सिलेंड्रिकल शेप में होगा, इसका डायमीटर गिवन है 3, सो रेडियस आ गया 3/2, डग 14 मीटर डीप, जो सिलेंडर के केस में डेप्थ होगी डेट विल बी हाइट, डेट इज 14 मीटर, द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट इन द शेप ऑफ सर्कुलर रिंग ऑफ विद दिस टू फॉर्म एन एम्बैकमेंट। जो वेल को कुआं खोदने से मिट्टी निकली उसे कुएं के इर्द गिर्द सर्कुलर शेप में, सर्कुलर रिंग के शेप में रखा गया, जिसकी विथ है 4 मीटर टू फॉर्म एन एम्बैकमेंट। एम्बैकमेंट फाइंड द हाइट ऑफ एम्बैकमेंट मीन्स एक वॉल बनाएगी जैसे रिवर्स के आसपास बनती है फ्लड को रोकने के लिए, इसी तरह वेल के आसपास एक सर्कुलर रिंग के शेप में एम्बैकमेंट बनाने के लिए जिसकी हाइट हमें फाइंड करनी है और हमें विड्थ दी हुई है एम्बैकमेंट की। सो एम्बैकमेंट के लिए हमें क्या पता है, ये भी एक तरह का क्या है, सर्कुलर रिंग है, तो पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर की शेप में ही है, ये भी सर्कुलर, इसका रेडियस क्या होगा, ये होगा इसका हाफ रेडियस, ये पूरा होगा डायमीटर, तो इसका कैपिटल आर से रेडियस को डिनोट करते हैं। 1.5 मीटर रेडियस वेल का है प्लस 4 मीटर इसका है, तो 1.5 + 4 दैट इज 5.5, 55/10, 11 5 11 5 2s are 10, दिस इज इन मीटर्स।
Now हमें width भी दी हुई है 4 meter. Width means इसकी चौड़ाई जो हमने इसके use की radius find करने के लिए. Now embankment की height निकालनी है किसके equal होगा? Volume of cylinder, well जो cylindrical shape में है, is equals to volume of embankment. वो भी cylindrical shape में है. Clear? तो क्या आया हमारे पास? Volume of well is pi r square h. Embankment में क्योंकि ये वाला पूरा portion include होगा, तो इसका radius जो होगा capital R square minus small r square. Height को इसकी denote करते हैं capital h से. क्या आया हमारे पास? Pi से pi तो cancel हो जाएगा. कैपिटल एच की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो किसके इक्वल होगी? आर स्क्वायर एच अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर. नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप पुट द वैल्यू ऑफ स्मॉल आर 3 बाय 2 इंटू 3 बाय 2 हाइट इज 14 अपॉन कैपिटल आर इज 11 बाय 2 स्क्वायर माइनस 3 बाय 2 स्क्वायर. ये आया हमारे पास 2 7s are 14, 3 into 3 9 into 7 by 2 11 square 121, 3 square 9 121 माइनस 9, 9 7s are 56, 63 अपॉन 2. टेक द 4 एज एलसीएम. 121 माइनस 9 112, 63 by 2 into 4 by 112. यही आया हमारे पास 4 28 7 4s are 28 7 9s are 63. So 9 by 4 into 2 8 meters. तो height कितनी आई हमारे पास? 9 by 8 divide करेंगे 1.125 meters. So height of the embankment is 1.125 meters. हमें given था कि एक well जिसका diameter given है और depth given है. Cylinder के case में जो depth होगी that will be height. तो उसमें से well को कुआं खोदने पे जो मिट्टी निकली उसे एक कुएं के इर्द-गिर्द circular shape में रखा गया to form an embankment. तो हमें उसकी विड्थ गिवन है और इसकी हाइट फाइंड करनी है. दोनों के वॉल्यूम को इक्वल रखेंगे क्योंकि जो एम्बैकमेंट है सर्कुलर शेप में ये पूरा पोर्शन इंक्लूड होगा, लेकिन हमें उसमें से कुएं का तो माइनस करना पड़ेगा रेडियस. तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इनटू हाइट. फाइंड द वैल्यू ऑफ हाइट व्हिच इज 1.125 मीटर्स. नोट इट डाउन.